मेरठ में देर रात तक बदमाशों ने घर में घुसकर डकैती की वारदात को दिया अंजाम। हथियारों के बल पर परिवार के लोगों को बंधक बनाया और डकैती का विरोध करने वालों के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने कई घंटों तक घर खंगाला और लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। जोर से प्रियंका। अच्छा, क्या हुआ था रात में? कौन, क्या मामला था सारा? रात सोते हुए जगाए कि हम खाना खाएंगे पहले। हम ऊपर से लाकर फिर इनके हाथ बांध दिए। हाथ बांध के फिर हम बैठा गए सब, खकोड़ा डंडी बजाई हुई नो, हम उस सॉल वाले लोग सब तोड़ दी, कपड़े वपड़े सब चीज चाह पैसे जो भी है सब ले लिए। हमारे अंगूठी कंठी, चार पांच अंगूठी कंठी, कोले रझाले है, सैन पीली चार पांच जोड़ी सब ले, कानों में से कुंडल उतरवाए दोनों जोड़ी सोने के। कितने आदमी थे? 9-10 आदमी थे। तुम्हें कहीं बांध के गिरा था कहीं? हाँ। कहाँ? कमरे में। फिर उसके बाद? उसके बाद बांध के मुँह पे भी चुन्नी बुन्नी बांध के उसके बाद चले गए। अच्छा, क्या क्या गए थे? क्या क्या गए? हम यहीं खड़े हैं, जो रोल मचाओगे हम तुम्हें मार देंगे गोली से। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद हम धमकी देकर, इस लड़के को चाहती हो तो जान बचानी चाहती हो तो क्या कह मैं रोल मत मचाइए, नहीं हम इस लड़के को ले जाएंगे या मार। अच्छा, फिर तुम कैसे खुले? हम इस एक कमरे के दो गेट एक कमरे में, तो एक कमरे का तो गेट लगा दिए, दूसरे वाले कमरे का गेट बाहर से तो अंदर से तो लग रहा पर बाहर से नहीं लग रहा। फिर उस ऊपर जब खोला फिर ही जल रहा उससे, फिर हटा कर किवाड़ अंदर से खोल कर जब निकले थे, फिर जब निकल कर फिर चक्की पर फोन वोन धरे हमारे छीन लिए फोन, जब उसके बाद फोन वोन लेकर जब न सब पर फोन करे फिर गांव से लोग भगाए, गांव से पुलिस भी आई थी। हाँ, पुलिस भी आई। क्या कह रही पुलिस? पुलिस देख दाख की चली गई। ठीक, कितने रुपए का नुकसान मान के चले हो टोटल? 7-8 लाख का है। 7-8 लाख का है। थाना मुंडाली के नगलामल गांव के शिवम तोमर और उनके भाई विशाल तोमर के द्वारा यह सूचना दी गई है कि इनके घर में रात में कुछ अज्ञात उन्माद घुस आए और इनके घर में रखी अलमारी से 50,000 रुपये और सोने के जेवरात लेकर के चले गए। इस संबंध में इनके द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा मौके पर डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को भेजा गया है। सभी पहलुओं पर जाँच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई कर घटनाक्रम शीघ्र किया जा रहा है।